2023 में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप से ठीक पहले एशिया कप का होस्टिंग करना है पाकिस्तान को अपने घर में। और एक बार फिर से पीसीबी चेयरमैन रमेश राजा ने विवादास्पद बयान दे दिया है, या यूं कहें कि बेतुका बयान दे दिया है। उनसे जब पूछा गया कि भारतीय टीम अगर नहीं आती है पाकिस्तान में तो क्या होगा, क्या न्यूट्रल वेन्यू पर इसको आप होस्ट करेंगे, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। पीसीबी चेयरमैन रमेश राजा का मानना है कि न्यूट्रल वेन्यू पर होस्ट करने का एशिया कप सवाल ही नहीं उठता है, हम होस्ट तो करेंगे करेंगे, भारतीय टीम को आना है तो आए, नहीं आना है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही अगला सवाल मीडिया के द्वारा पूछा गया कि अगर श्रीलंका और बांग्लादेश ने ही मना कर दिया तो आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि ये उनकी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है, हम तो होस्ट करेंगे। अब स्पोर्ट्सो की सवाल कर रहा है कि मान लीजिए अफगानिस्तान ने ही मना कर दिया, मान लीजिए कि कोई और भी एशियन कंट्री ने मना कर दिया तो आप क्या करेंगे, तब शायद रमेश राजा का बयान यही होगा, हम तो होस्ट करेंगे, खुद खेलेंगे, खुद जीतेंगे और खुद ही एशिया कप के होस्ट कहलाएंगे और विनर कहलाएंगे। ऐसी परिस्थितियां साफ तौर पर लग रहा है कि रमेश राजा जो है वो रिजिड हो चुके हैं अपनी बातों पर, कि एक बार जो कह दिया सो कह दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि एशिया कप में भारत नहीं आए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, तो वैसे फिर क्यों परेशान है क्या और धमकियां क्यों देते हैं कि हम वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके ना आने से तो भी तो हमें फर्क कोई नहीं पड़ता है, अगर आप वर्ल्ड कप आएंगे तो भी ठीक है, नहीं आएंगे तो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन एक बात कही जा सकती है कि रमेश राजा बतौर पीसीबी चेयरमैन इस समय साफ तौर पर इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि मैं ही देश में क्रिकेट का सबसे बड़ा ठेकेदार हूं और मैं ही पाकिस्तानी क्रिकेट को आगे लेकर जाऊंगा, भले ही पाकिस्तान में घटिया विकेट बना बना करके टेस्ट मैचेस ड्रॉ कराए जाएंगे और एक भी टेस्ट का रिजल्ट नहीं निकलेगा, चाहे 10 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हो, चाहे इस समय आपके यहां इंग्लैंड की टीम आई हो। लेकिन आपकी क्या राय है रमेश राजा के इस बयान पर, आप कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।